हेलो गाइस, माय नेम इज उदय गोटिया और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो है। मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, ना ये कितना शानदार बनेगा, पर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप भी समझेंगे, पर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब ये वीडियो शानदार और अच्छा बनेगा। और आज मैं जा रहा हूँ पचमढ़ी, जो कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और ये बनखेड़ी है, वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। यहाँ मैं आया अपनी सिस्टर के यहाँ, तो वहीं से आज मैं जाऊँगा पचमढ़ी। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज यहाँ मैं आया हूँ अभी पांडवों की गुफा, जो मैं सबसे ऊपर हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ पांडवों की गुफा कैसी है। और अभी मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, मतलब वो सबसे ऊपर हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ। यह है पांडवों की गुफा, ये पूरी देखिए। यहाँ से पांडवों के आप आ सकते हैं, अगर जिसको भी आना हो। बहुत अच्छी प्लेस है और बहुत सारी जगह भी हैं यहाँ से। ये देखिए, फिलहाल मैं पांडवों की गुफा के सबसे ऊपर हूँ मैं। ये देखिए आसपास कितना अच्छा व्यूज है, कितना अच्छा। ये है पांडवों की गुफा और ये ऊपर का व्यूज है। देखिए कितना शानदार व्यूज है। देखिए आसपास पहाड़ हैं चारों तरफ। देखिए एक बार नजर घुमा के, कितना शानदार है। पूरा पचमढ़ी दिखता है आप लोगों। ये वहाँ की कुछ क्लिपें हैं जो मैंने ली थी। देखिए कितना शानदार यहाँ पे, वहाँ का गार्डन है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे फूल लगे हैं, बहुत कुछ है। ये मैं और उसके बाद फिर हम लोग गए थे बड़े महादेव। ये वहाँ का व्यूज है, देखिए कितना शानदार वहाँ का व्यूज है। चारों तरफ चट्टाने, पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ पौधे, कितना शानदार। ये वहाँ के गुप्त महादेव है जो मैंने फ़ोटो ली है। और वहाँ पे चारों तरफ चट्टानों से पानी आता है, रिश्ता रहता है। यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे फ़ोटो ले ली है। और इसके नीचे कुंड है और चारों तरफ अंधेरा है। वहाँ पे एक शंकर जी हैं जो ऊँचे से आप देख सकते हैं, और वो सिद्ध शंकर जी हैं कहते हैं वहाँ के लोग।